शुकराना तेरा शुकराना शुकराना तेरा शुकराना शुकराना तेरा शुकराना शुकराना तेरा शुकराना। शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मेरा स्वधर्म वो है शांति। तो आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मंचस्थ हमारे सभी जो भी गेस्ट है और आप सभी जो भी टीचर्स और संगीता बहन और हमारे रेडियो आरजे, आप सभी का बहुत बहुत हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आज जो भी कार्यक्रम बहुत ही अलग ढंग से हम एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उसमें खास ये विद्यालय का भी एक कार्य चल रहा है। आज टीचर्स डे के निमित्त हम इकट्ठे हुए हैं। टीचर की गरिमा बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान जैसे हर एक आत्मा को विशेष बनाता है, ऐसे टीचर्स भी हर एक विद्यार्थी को बहुत ही विशेष बनाने के निमित्त होते हैं। उन्हीं के हाथ में जैसे कि कुम्हार के हाथ में मिट्टी होती है और वो आकार देता है, इसी प्रकार टीचर भी अपने विद्यार्थियों को बहुत सुंदर आकार में बाहर एजुकेशन के बाद वो बाहर निकालता है। तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी है टीचर्स जिसके जीवन के अंदर टीचिंग लेवल जो टीच करना है, जो कुछ सुनाना है, लेकिन वो जीवन में हमारे भी होना उतना ही महत्व रखता है। सुप्रीम टीचर हम सभी का परमात्मा है, लेकिन आपने जो भी प्रोफेशन चुना है जिसके अंदर छोटे बच्चे से लेकर के कॉलेज या हायर एजुकेशन के तक जो भी विद्यार्थी आपके पास आते हैं, जीवन के अंदर वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन आजकल एजुकेशन के अंदर थोड़ी बहुत सारी बातें मिसिंग है, जिसमें सिर्फ रटा रटाया हो रहा है, लेकिन जो वैल्यूज होने चाहिए वो मेरे ख्याल से थोड़ी मिसिंग हो रही है। लेकिन इस विद्यालय के माध्यम से अभी थोड़ा कोरोना काल के अंदर थोड़ा ये हुआ, लेकिन हर हफ्ते एक पीरियड विद्यालय की ओर से भी कई स्कूलों के अंदर हमारा चलता था और जिसमें वैल्यू एजुकेशन दिया जाता था और एक एक वैल्यूज को डीपली समझा करके विद्यालय की बहनें ही जाती थी और उन्हों को समझाया जाता था, सिखाया जाता था। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुकराना तेरा शुकराना शुकराना तेरा शुकराना। जय श्री कृष्ण। विश यू ऑल हैप्पी टीचर्स डे। गुजराती में चाल से के हिंदी में बंदे बंदे गुजराती गुजली सर इंग्लिश में भी एक सारू ना थी। हाँ इंग्लिश, यस दैट्स राइट, दैट्स गुड। मोनिका बेन सावे बैठा छे ने इंग्लिश में बोली से
एक एक वाक्य हमारे भूल कर से भाई सीबीएसई ना प्रिंसिपल से एंड आई एम नॉट गोइंग टू डेयर टू स्पीक इन इंग्लिश लेट मी ट्राई. सबसे पहले हमारे सबके परम पिता ब्रह्मांड ब्रह्म पिता के चरणों में हमारे सबका वंदन नमस्कार. बस संकिता जी का सुबह आदेश हुआ तो आपको ये फिल इन द ब्लैंक प्रॉक्सी भरनी है तो विलिंगली आई से यस आई विल मैं भरूंगी. आज मैडम ने बोला कि मेरी कोई वीकनेस नहीं है, हैट्स ऑफ टू हर, कोई वीकनेस नहीं है. लेकिन कोरोना के बाद हम जब अभी बच्चों को पढ़ाते हैं और जो उसकी मेंटालिटी है वो हम सब जानते हैं कि हाउ टू ओवरकम. क्योंकि ये जो बच्चे अभी 2 साल के बाद हमारे पास आए हैं पूरा ब्लैंक होके आए हैं और वो ब्लैंक बच्चे को अभी हमको फिलअप करना है अच्छे संस्कार के साथ वैल्यूज़ के साथ और उसको एजुकेशन भी देना है. वैसे तो एज ए टीचर और एज ए प्रिंसिपल हमारा सबका एक ही मोटो है शिक्षण संस्कार और शिस्त. ये तीनों अगर ये हम दे देते हैं बच्चों को तो ये रोज अखबारों में जो नेगेटिव सुर्खियाँ आती हैं वो आना बंद हो जाएगी. अभी कहीं ना कहीं वो मैडम ने बोला लेकिन शिक्षण में कमी फाल्गुनी जी ने ही बोला कि कहाँ कुछ कमी रह गई. मैडम ने बोला देखो और सुधार करो संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम इन्हीं किसी की जय जयकार नहीं होती. अब सही बात बोली मैडम. अभी हम जो टीचर मतलब हमारे जो टीचर थे अभी जो नए नए टीचर आ रहे हैं मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी. यहाँ जो भी टीचर बैठे हैं किसने ऐसा सोचा था कि ही और शी वांट टू बी ए टीचर इन फ्यूचर प्लीज रेज योर हैंड. देखो मैम इतने सारे हैं मैम इसमें से गिने चुने हाथ ही ऐसे खड़े हुए हैं कि दे वांट टू बी ए टीचर. व्हाट इट मींस कि जो बैठे हैं कुछ न बन सके तो टीचर बन गए कुछ न बन सके तो टीचर बन गए. कोई बात नहीं बन गए तो अच्छी बात है. हमारा फील्ड ऐसा है उसने कभी मंदी नहीं आने वाली. अपने आप को आप थैंकफुल गॉड का थैंक्स कीजिए कि आपको ऐसे व्यवसाय में वो लेके आए हैं कि वहाँ कभी मंदी नहीं आने वाली. चाहे वो किसी का भी बच्चा हो वो खुद पढ़ा लिखा हो या नहीं हो अपने बच्चे को वो पढ़ाएगा पढ़ाएगा पढ़ाएगा. और अभी तो वो भी पेरेंट्स एक स्टेप आगे चाहे उसको एबीसीडी नहीं आती फिर भी वो बोलेगा मेरे बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है. अभी ये दौर चल रहा है. अभी आप आ ही गए अभी हमारे फील्ड में तो बस कृपया एक ही काम आपको करना है कि ईश्वर कृपा से जो भी आप काम कर रहे हो शिक्षण का बस उसको दिल से कीजिए डेडिकेशन के साथ कीजिए निष्ठा के साथ कीजिए. आपके बाजू में रहने वाले निष्ठा की बात नहीं करी मैं और कर्तव्य के साथ कीजिए तो फिर ये आपका जो व्यवसाय आपने नहीं बनना चाहते फिर भी बन गए वो आपको नहीं भीतर से फिर आवाज़ आएगी नॉट यू आर अ बॉय टीचर. अभी मैडम ने बोला ना सभी आत्मा को किसी न किसी वजह से इधर भेजा गया है तो हमको भी एक टीचर के तौर पे इधर भेजा गया है. चाहे हम मंदिर में जाए या ना जाए फास्ट रखें या ना रखें अगर हमारा काम हम पूरे दिल से करेंगे तो ऊपर वाला कि भाई चलो हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है आप अपना काम बहुत दिल से करते हो बच्चे को आगे लेके जाते हो चाहे वो फिर भी इसमें भी क्या है भाई ये तो इतनी बड़ी स्कूल के टीचर हैं उसका तो भाई वाह वो पहले से होमवर्क पर ऊपर चलते हैं 1 फीट ये भी देखने को मिलता है. देखो स्कूल का नाम है अभी उसने कुछ नहीं किया स्कूल में मैं तो वो स्कूल की टीचर हूँ मैं वो स्कूल में प्रिंसिपल हूँ अरे कुछ तो करो बाद में कुछ थोड़ा हवा में उड़ो फ्लायर बनो. हमें जो भी बच्चे मिलते हैं वी शुड एक्सेप्ट जैसे भी बच्चे हैं वो हमारे हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे में भी कुछ भी सभी में कुछ ना कुछ कमियाँ रहती है एक्सेप्ट मोनिका मैम. तो हमारे पेरेंट्स ने हमको बाहर निकल नहीं फेंका हमको स्वीकार किया
तो फिर हमारे पास जो भी बच्चे आते हैं उसको हमको भी दिल से स्वीकार करना है। हमारा उदला विस्तार फुलचंद भाई को पता है, मिलिन सर को पता है कि कैसे कैसे कम्युनिटी से, कैसे कैसे लोकैलिटी से हमारे यहाँ बच्चे आते हैं। और हमारा उदला मतलब मिनी भारत, पर वहाँ 10% या 15-20% ही ऐसे पेरेंट्स मिलेंगे कि जो पढ़े लिखे हैं। बाकी सबसे पहला काम हमको पेरेंट को सुधारना होता है कि आपको कैसे ड्रेसअप करके स्कूल में आता है, आना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब पेरेंट्स को पहले हमको सिखाना पड़ता है। बाद में बारी आती है बच्चों की, तो जब पेरेंट्स मीटिंग हम लेते हैं तब ये सब बातें भी हमको करनी पड़ती है। फिर भी दिल से करते हैं काम, जो दिल से अपना काम निभाता है, करता है, चाहे कोई भी काम हो, चाहे झाड़ू लगाना क्यों ना हो, कोई भी काम हो, कोई माला बनाना क्यों ना, छोटे से छोटा काम अगर पूरी क्वालिटी के साथ, डेडिकेशन के साथ हम करते हैं तो इसका रिजल्ट हमेशा यूनिक ही रहता है। एक बार देख लेना करके, अगर गलत आया तो आपका चप्पल मेरा सिर। ऐसे ही प्रोग्राम में ऐसा प्रोग्राम रखेंगे संगीता मैम को बोल के कि आपने जो बोला था बड़ी साल से वो तो गलत निकला, आप बैठ जाओ, हम एक एक करके, जैसे अभी शंकर भगवान के मंदिर में हमने पानी दूध चढ़ाया था तो आपके सर पे हम एक एक जूता चढ़ाएंगे, अगर गलत हुआ तो। नहीं होने वाला। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कितने लोग इधर बैठे हैं जो स्कूल को अपना दूसरा घर मानते हैं, प्लीज रेज योर हैंड। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चाहे अपना खुद का घर हो फैमिली, चाहे स्कूल का फैमिली हो, पांच बात मैंने यही सीखी है बीके फैमिली से, दीदियों से। मैं बोलूंगी आप, मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ दोहराए, चाहे कोई भी आपत्ति हमारे पर्सनल फैमिली में हो या हमारे स्कूल के फैमिली में हो, तो ये पांच ऐसे अमृत पंचामृत है जिसको दोहराने से ये जो नेगेटिविटी है वो तो चली ही जाएगी, लेकिन आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा वो आप अनुभूति करोगे। आर यू रेडी फॉर दैट? ओके फाइन। फर्स्ट सेंटेंस इज दैट मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। प्लीज, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। दूसरा है मैं स्वराज अधिकारी हूं, मैं स्वराज अधिकारी हूं, मैं स्वराज अधिकारी हूं। थर्ड वन, मैं इस घर की इष्ट देवी हूं। आप इष्ट देव बोल सकते हो भाइयों, देवी बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो भाई हम देव में से देवी बना दिया। गुलचंद भाई आप देव बोल सकते हो, जैसे मैं इस घर की इष्ट देवी हूं। प्लीज, मैं इस घर की इष्ट देवी हूं। मेरा परिवार यूनाइटेड है, मेरा परिवार यूनाइटेड है। एंड फिफ्थ वन इज दैट मेरा घर स्वर्ग है। आवाज कम होगी, चाय की व्यवस्था हो जाएगी अगर चाहिए तो, लेकिन आवाज तो बुलंद ही होनी चाहिए ना, सब टीचर बैठे यार। पैकेट्स मिलने वाले हैं। मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है। बस यही पांच सेंटेंस, चाहे हम घर में अपने घर में किचन में रसोई बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, या अपना कुछ काम करते हैं, स्कूल में अगर खाली टाइम में अगर कुछ भी अच्छे विचार आपके मन में आते हैं तो यही पांच लाइन अगर आप दोहराते जाओगे, दोहराते जाओ। मेरा खुद का फाल्गुनी जी एक्सपीरियंस रहा है, टाइम फील बेटर। तो ये करना जरूरी है। दूसरी बात, ए गुड टीचर इज लाइक ए कैंडल। जैसे हम मोमबत्ती को देखते हैं, खुद जलती है लेकिन दूसरों के जीवन में प्रकाश देती है, तो एज ए टीचर हमारा काम भी ऐसा ही है मोमबत्ती जैसा, तो खुद जलो और दूसरों को प्रकाश दे, और वैसे ही देते ही है तो और उजाला हम करते, क्योंकि समाज की जिम्मेदारी हम पे, समाज हमारे ऊपर ही नजर लगा के बैठा है
के टीचर्स को आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ, धुन्नी तुम हो इंजन, डब्बू तुम हो चुनू मुंडूली दासी दासो बनो बंजा दो बाटो सब पैसेंजर सब पैसेंजर ये थाना ये थाना रेडे एक दो शुकराना तेरा शुकराना शुकराना तेरा शुकराना। मैं सुचेता अग्रवाल, एक मिनट आपका फोटो अच्छा आएगा। थैंक यू करते संगीता आंटी का कि इतने सारे टीचर्स से आज शांतम ब्लेस्ड है और मैं भी आज हूँ तो किसी मेरे टीचर की शिक्षा की वजह से हूँ। मैं सिर्फ शांतम के बारे में दो शब्द आपको बताना चाह रही हूँ कि शांतम क्या है। आप बच्चों का स्कूल चलाते हैं, हम 60 प्लस का स्कूल चलाते हैं। जो कभी टीचर्स थे हम बच्चे सही में उनके टीचर्स यहाँ पर बने हुए हैं। शांतम एक अनुभव घर जहां पर कोई ओल्ड एज होम नहीं है। ये यहाँ पर 60 प्लस लोग आते हैं, एडमिशन लेते हैं, प्रॉपर बैच है उनका, प्रॉपर दे हैव टू कम विद अ बैग। और 2 घंटे की हम यहाँ पे रोज एक एक्टिविटी कराते हैं उन्हें मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और उनके फिजिकल हेल्थ पे, कि 60 प्लस उन्हें कैसे रहना है, ट्रैवल करना है तो कैसे करना है, क्या चीजें उन्हें ध्यान रखनी है। और जो लोनलीनेस है उनकी, यहाँ पे कोई वो बहू बेटे की बुराई बुराई नहीं होती है कि वो सासू कर रही है, वो ससुर जी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि रहना फैमिली के साथ ही है, तो मोटो यहाँ पे ये है कि फैमिली के साथ ही आपको रहना है। जो खुशियां आप यहाँ शांतम से लेके जाते हैं उसे बांटिए आप अपने घर में, पूरा मोटो वही फोर्स में रहता है। और 1100 मेंबर हैं शांतम में और निःशुल्क है, कोई फीस नहीं है। 100 रुपीज का बस एक फॉर्म भरना पड़ता है सीनियर सिटीजन को और अपना एक आईडी प्रूफ यहाँ सबमिट करना पड़ता है। हम लोग काफी सारे इवेंट्स करते हैं उनके लिए। स्टेट लेवल पे शांतम मेंबर्स सिंगिंग में गए हैं, यहाँ पे उन्होंने सिंगिंग सीखी है। जिनको इंग्लिश नहीं आती, जो ग्रैंड पेरेंट्स अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से दूर हो गए हैं कम्युनिकेशन गैप की वजह से, हम उन्हें इंग्लिश भी सिखाते हैं। किसी को एक्टिंग करने का मन होता तो हम ड्रामा भी सिखाते हैं, हम म्यूजिक भी सिखाते हैं। उनका एनुअल फंक्शन भी होता है, उनके घर के लोग आते भी हैं देखने, टीटीएम भी होती है, उनकी बहुएं आती है कि क्या फर्क है सास ससुर के नेचर में। सबसे अच्छी चीज ये है कि वो यहाँ आते हैं, उनका एक खुद का कम्युनिटी बन गया है। व्हाट्सएप सिखाते हैं हम, ओला उबेर सिखाते हैं उनकी डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए। एवरी फ्राइडे यहाँ पे डॉक्टर्स के सेशंस होते हैं, उसमें फिजियोथेरेपी है, आई केयर है आपका, मतलब एनीथिंग कुछ भी आप यू नेम द वर्ड यहाँ पे अवेलेबल है उनके लिए। और अभी हमने एक रिसेंट में सीनियर सिटीजन का फैशन शो भी किया था जो नेशनल लेवल पे कवर हुआ था। और अभी लास्ट वीक हमने ताप्ती वैली स्कूल में एक इवेंट किया था। तो एक रिक्वेस्ट मैं आज आप सब टीचर्स के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ, जो मैंने फील किया है इन सीनियर सिटीजन के साथ यहाँ पर, है कि शायद आप लोग बहुत बड़े एक सोर्स है उस
कम्युनिकेशन गैप और जनरेशन गैप को फिल करने के लिए। हमने टॉपिक लिया था ताप्ती वैली में, शांतम मेंबर्स ने वहां परफॉर्म किया था, 87 इयर्स के लोगों ने भी ड्रामा किया था, हमने खुद सिखाया था यहाँ पे। और हमारा टॉपिक था हिंदी बीमार है, बीमार है। द प्रॉब्लम इज कि ऐसे इवेंट्स नहीं होते जहां पे उनकी कम्युनिकेशन गैप फिल हो। व्हाट्सएप तो हमने सिखा दिया उन्हें, पर अगर उसने अपने दादा ने दादी बच्चों को बोला कि कैसा है बेटा, व्हाट्सएप पे फेसबुक पे फ्रेंड बना लिया, तो उन्होंने लिख दिया TTYL, टॉक टू यू लेटर। अब ये लैंग्वेज तो ऑब्वियस है नहीं आती हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड पर्सन को। तो कुछ इस तरह की इवेंट्स अगर आप अपने स्कूल में करें कि आपको आज कंपल्सरी दादा दादी से कहानी सुन के आना है और कल सुनाना है, कंपल्सरी आपको आपकी दादी की एक रेसिपी लेके आनी है, कंपल्सरी आपको आपके घर का एक जो भी रूटीन रिचुअल है पूजा का पाठ का वो लिखवा के लाना है दादी से, आपके दादा के स्कूल के 5 फ्रेंड्स के नाम लिख के लाने हैं, आपके दादा ने कोई स्कूल में मस्ती की होगी वो लिख के लानी है। आई रिक्वेस्ट, मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बिकॉज मैंने वो लोनलीनेस यहाँ देखी है मैम, प्लीज वो रोते हैं, मेरे को देखिए बॉम्बूज हो रहा है, मैं रोज उनसे डील करती हूँ। तो ये कुछ हफ्ते क्या आई थिंक महीने की 5 एक्टिविटीज तो आप लोग सब अपने स्कूल में कराते ही होंगे, चाहे वो ड्राइंग से रिलेटेड है, चाहे वो सिंगिंग से रिलेटेड है। एक एक्टिविटी सिर्फ उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वो लोग बैठ के उस एक्टिविटी के थ्रू बात कर सके, उनकी स्ट्रगल लाइफ लिख के लाएं, वो कब सूरत शिफ्ट हुए थे, एनीथिंग जो मैं तो सिर्फ सजेशन दे सकती हूँ, आप ज्यादा बेटर फ्रेम कर पाएंगे बिकॉज आप टीचर्स हैं। तो एक एक्टिविटी प्लीज उनके ग्रैंड पेरेंट्स से कनेक्ट करने के लिए उनको जरूर 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 सिखाएं। और हिंदी के लिए बच्चों को इंग्लिश जरूर बहुत मस्त है, लेकिन वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से हिंदी में बात कर ले इंग्लिश की जगह, ये भी जरूर उन्हें मैसेज करनी पड़े। थैंक यू, मैं यही कहना चाहती हूँ। और शांतम ब्लेस्ड है, आप सब आए हैं, और कभी भी शांतम की कहीं कोई जरूरत लगे और शांतम की तरफ से आपको कोई भी नीड लगे तो प्लीज लेट मी नो, वी आर ग्लैड टू बी देयर। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, तेरी रहमतों का कैसे, तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं वखान। जिनके जीवन में भी खुद ऐसी वैल्यू हो तभी हम दूसरों को भी कुछ बता सकते हैं। अगर आपके अंदर भी ऐसी वैल्यूज हैं तो आप भी टीच कर सकते हो। तो जो शांति है, आनंद है, प्यार है, शक्ति है, आनंद, जिसको अलग अलग हम वैल्यूज के आधार से देखते हैं, लेकिन आज हमारे जीवन में ही शांति कितनी है? आप में से कितने हैं जिनको स्ट्रेस नहीं है? दो बहन जिनको स्ट्रेस नहीं है, 3-4, और बाकी टीचर सभी को, अच्छा टीचर में आपको नहीं है, बाकी सबको है, आपको नहीं है। बच्चों को पढ़ाने का स्ट्रेस, बच्चों को संभालने का स्ट्रेस बहुत ही नॉटी है, बहुत ही इस प्रकार से है, तो हम शाउटिंग करके उसको चुप करा चुप हो जाते हैं। लेकिन एक टीचर जो कि उसकी एक पर्सनालिटी तो कड़क की होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि एक टीचर ऐसा भी, जैसे कि अगर वो सिर्फ इशारे से कहे और सभी समझ जाए। टीचर माना जो दो वाक्य के बीच में नहीं लिखा है वो समझाने का प्रयत्न करे, वो टीचर है। क्यों? क्योंकि पढ़ना तो हम बच्चे भी आजकल तो इतना पढ़ ही सकते हैं खुद, लेकिन जो नहीं समझ में आए वो है दो वाक्यों के बीच में जो कहना चाह रहे हैं वो भाव और भावनाओं को जो समझा सके, वो टीचर है। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना
तेरा। अच्छा, मेरा काम है आप लोगों की रक्षा करना, आप लोगों की रक्षा करना। कैसे? अब तो आप पूछोगे, क्वेश्चन उठेगा, कैसे बताइए। हाँ, अच्छा, मैं क्या करता हूँ, जैसे अपना ब्रह्म कुमारी में योगिक खेती है, प्राकृतिक खेती है, मैं खुद फार्मिंग करता हूँ, नेचुरल फार्मिंग है, मेरी गौशाला है, ठीक है, और मैं फार्मर्स को ट्रेनिंग देता हूँ कि भाई कैसे नेचुरल फार्मिंग करनी है, और उसका जो भी प्रोडक्शन आता है वो प्रोडक्शन मैं यहीं पे सूरत में सेल करता हूँ। और जो लोग योगा कराते हैं, हेल्दी है, कुछ खाना को डाइट है, डाइट फॉलो कराते हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, तो सब वो प्रिस्क्रिप्शन में लिख के देते हैं कि आपको खेडूत हाट से प्रोडक्ट लेनी है, ऐसा आता है हमारे यहाँ। और ये टोटली जो खेडूत हाट है वो कोई प्रॉफिटेबल नहीं है, वो मैंने एक सेवा प्रोजेक्ट किया, जैसे ऐसा अंतम चल रहा है, ऐसे चल रहा है, फार्मर्स को मार्केट देना और लोगों की हेल्थ अच्छी करना, यही हमारा काम है। मैंने आपको पैम्फलेट से अंदर दिए हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमारा टोटली 250 लोगों का ग्रुप्स है, वो सब जगह पे सर्वे करते हैं, टीचर्स भी है हमारे साथ काफी सारे, जो गांव के अंदर जो टीचर्स रहते हैं वो भी हम हमारे साथ कनेक्टेड है। तो जहां हमने ट्रेनिंग दिया है वही ट्रेनिंग के हिसाब से जो भी प्रोडक्शन आता है वो हम यहीं पे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे आपको मिला है कुछ, हमने आपको आज हनी दिया है, कांच की बोतल संभाल के लेके जाना, तो वो हनी कहाँ से आया मालूम है? वो आया है अपना माथेरान का जंगल, आपने देखा है किसी कोई गए वहां का है, माथेरान से आया है। हमारा जो भी प्रोडक्ट्स है वो टोटली नॉट अनटच है, मतलब हम लोग उसको हाथ भी नहीं लगाते। आपके यहाँ सब्जी भी आएगा ना, वो भी फार्मर जब उसको हार्वेस्ट करेगा उसके बाद उसका वॉशिंग होता है, उसके बाद उसको कोई टच नहीं करता, आपके पास आता है तो अनटच आता है, ठीक है। तो जो भी लोग, जितनी भी माताएं यहाँ पे बैठी है, वो अपने बच्चे का ख्याल ज्यादा रखते हैं, यस नो? किसी को नींद आ रही है? ओके, मुझे दिख रहा है इसलिए। तो माता क्या करती है, अच्छा दूध कहाँ से मिलेगा, अच्छा सब्जी कहाँ से मिलेगा, अच्छा खाना कहाँ से मिलेगा, तो आपको ढूंढना पड़ता है। लेकिन वो सारी व्यवस्था हमने ऐसी कर दी है कि आपको कोई भी चीज कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमारे खेडूथाट.com पे आप जाओगे तो आपको वो चीज मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या, राज्यपाल यहाँ गुजरात में आए हैं, जब मेरा नंबर आप सेव करोगे व्हाट्सएप पे डीपी में देखोगे, राज्यपाल ने मुझे 3 अवार्ड दिए हुए हैं, फार्मर ट्रेनिंग का, जो मैं काम कर रहा हूँ अभी आपको डिस्ट्रीब्यूट चैनल चला रहा हूँ उसका मुझे दिया है, और तीसरा मुझे अवार्ड दिया है कि मैं सबको मोटिवेट करता हूँ, कि मेरा मोटिवेशन होता है बच्चों के लिए, उसने दिया है। तो तीनों तीन मेरा डीपी पे आप देखोगे तो वो आपको मिल जाएगा। आपको कुछ भी चाहिए, ठीक है, तो हमारा कैसा होता है कि रिटेल्स हमारा जो होता है वो थोड़ा महंगा रहता है, लेकिन आप ग्रुप बुकिंग कराते हो तो आपको मार्केट के साथ ही मिल जाता है। जैसे कोई सोसाइटी है उसका ऑनर बोला, भाई एक प्रमुख बोला कि मुझे भिंडी चाहिए हमारे पूरी सोसाइटी को, तो मार्केट से कम रेट में आपको पूरी सोसाइटी में भिंडी मिलेगी, वो भी ऑर्गेनिक, ठीक है। तो पूरा चैनल हमने बनाया है, इससे सारी चीज मिल सकती है आपको, गेहूं चाहिए तो गेहूं मिल जाएगा, मिलेट चाहिए तो मिलेट मिल जाएगा, वो ग्रुप बुकिंग है पूरा। तो आप ग्रुप बुकिंग कराते हो तो सब मिल जाएगा। आप मेरा नंबर नोट कर सकते हो, और मेरा नंबर पेमेंट पे भी है और बैग पे भी है, बैग पे भी मेरा नंबर है, लेकिन आपका डिटेल्स भी मेरे पास आ गया है। मेरी तरफ से आपको कुछ मैसेज भी आएंगे, आपको क्या करना है, जो काम मैं कर रहा हूँ उसको आपको आगे बढ़ाना है, ये सब हमारा काम है। आगे जाके भी कोरोना जैसी कोई बीमारी नहीं है, हमें अच्छा खाना खाएंगे तो हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छा रहेगा, तो हम सब कुछ कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। हमारा देश का भी जो हेल्थ बजट है उसको भी हमें डाउन करना है, अस्पतालें खोलनी नहीं है हमें, अस्पतालें बंद करनी है हमें, ठीक है। तो मेरे जो आवाज है उसको मैं विराम देता हूँ। भारत माता की जय, गौ माता की जय, जय जवान जय किसान। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना।
तेरी रहमतों का कैसे, तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा, शुक्राना शुक्राना तेरा, शुक्राना तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा, शुक्राना शुक्राना तेरा, शुक्राना शुक्राना तेरा, शुक्राना शुक्राना तेरा, शुक्राना। बुलाने का शुक्राना, दर पे बिठाने का शुक्राना, तेरे दर का है शुक्राना, मेरे झुके सर का है शुक्राना, हंसना सिखाने का शुक्राना, राह दिखाने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, जीना सिखाने का शुक्राना। हाथ पकड़ कर मंजिल पर, हाथ पकड़ कर मंजिल पर पहुंचाने का शुक्राना। शुक्राना तेरा, शुक्राना शुक्राना तेरा, शुक्राना शुक्राना तेरा, शुक्राना शुक्राना तेरा, शुक्राना। आप डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को कैसे जला लेते हैं। प्रॉब्लम इज द पार्ट ऑफ द लाइफ, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था कि सबकी लाइफ में रोज रोज एक प्रॉब्लम आनी ही चाहिए। प्रॉब्लम मतलब एक चैलेंज होता है। जब आपके चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं, उसको फेस करके आप आगे कैसे निकलते हैं, दिस इज द लाइफ। सो आई ऑलवेज बिलीव, जैसे गुरुकृपा इंटरनेशनल में मैंने काम कर रखा है, तो मेरे जो यहाँ पे कलीग से वो जानते हैं, मेरा हमेशा एक स्लोगन रहता है और एक हरिवंश राय बच्चन की कविता में बोलती हूँ हमेशा, असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी। That is my motto in my life. नेगेटिविटी है, अभी जो भी मैंने बोली सुबह, मतलब आगे कि जो नेगेटिविटी है, जो गलत सुर्खियां आती है, तो समाज टीचर कोई कौन है उसके स्कूल के प्रिंसिपल कहाँ पढ़े हैं? अगर आप अच्छा करोगे तो अभी पूछेंगे कौन सी स्कूल से आए हैं भाई। अगर बच्चे कोई कॉम्पिटिशन में जाते हैं और सेल्फ डिसिप्लिन में बैठते हैं तो वो ऑर्गेनाइजर पूछे ये बच्चे हैं वो कौन से स्कूल के हैं, बहुत अच्छे हैं डिसिप्लिन में। अगर वो बच्चे थोड़ा हटके कुछ अपशब्द बोलते हैं, वैसे तो सूरतियों का मिजाज रहा है, तो वो ध्यान में आ जाएगा कि ये बच्चे का कौन से स्कूल के। फिर बोलते आपके प्रिंसिपल को मैं बताती हूँ, क्या आपके टीचर ऐसे सिखाते हैं? मतलब ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और ईश्वर ने हमको जब ये कर्म दिया है तो कर्म ऐसे करे कि धर्म अलग से कुछ करना ही नहीं पड़े, कर्म में ही धर्म आ जाएगा। मेरी ऐसी पर्सनल सोच है कि मैं भी एग्री और वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, संगीता जी की वार्निंग बेल लगा के तब बात खत्म कर दूंगी। दो बातें मुझे करनी है। वैसे टीचर के लिए कहा जाता है, जात ने निखार तो तकलीफ जेऊ कई नथी, कर तारी धार
તો તકલીફ જેવું કઈ નથી. જાતે નિખારવાનું એટલે નોટ બહુ અચ્છે. આજ તો ભાઈ જાને અચ્છી સાડી પહેરની પડેગી, થોડા એસા એસા થોડા લગાના પડેગા, ઠીક કરના પડે, ઓર એસી યે લગા દે તો ઓછ દે ઓર નિખર ગઈ સબ લોગ. વો તો હે, ઠીક હે. ઇનર કો હમકો ડેવલપ કરના હૈ, ઇનર કો હમકો ડ્રેસઅપ કરના હૈ. ચાહે ક્લાસરૂમ મેં હમ સાલો સે એક હી સબ્જેક્ટ પઢાતે હૈ, મુજે તો દેખને કી જરૂર, મેં તો કિતાબ ભી નહીં ખોલતી ક્લાસ મેં ચલતી. ઇટ્સ ઓકે ફાઇન, લેકિન આજ આપકો ઇસમે નયા ક્યા ડાલના હૈ. અગર એક બાર એક ટિક કરકે હમ ક્લાસ મેં જાએ તો બચ્ચે આપકા ઇંતજાર કરેંગે. એક દિન આપ સ્કૂલ મેં નહીં આવ, ઓ આજ યે સર નહીં આયે, મેરા મેથ્સ કા પીરિયડ આ જાયેગા, મેરા સાયન્સ કા પીરિયડ ચલા જાયેગા. અગર બચ્ચે આપકો મિસ કરે, સમજ લો દુનિયા કા સર્વશ્રેષ્ઠ એવોર્ડ આપકો મિલ ગયા, ચાહે સરકાર આપકો દે યા ના દે. જોબ સેટિસ્ફેક્શન ઇઝ ધ બેસ્ટ સેટિસ્ફેક્શન ઓલવેઝ. તો યે હમકો કરના હૈ, તો કેસે કરે. કર તારી ધાર તો તકલીફ જેવું કઈ નથી, જાતને નિખાર તો તકલીફ જેવું કઈ નથી. રાહ તારી લક્ષ તારું, ભૂમિઓ પણ તું જ છે. રાહ તારી લક્ષ તારું, ભૂમિઓ પણ તું જ છે. ખંત પારાવાર તો તકલીફ જેવું કઈ નથી, ખંત પારાવાર તો તકલીફ જેવું કઈ નથી. આખું કાઢે છે, પણ હું અત્યારે બીજી વાતને પણ લેવા માંગુ છું. એટલે અહીંથી કહેવાનો મતલબ એ છે કે નથિંગ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. આપણે કહીએ વિદ્યાર્થીઓને ઓલવેઝ હમ બતાતે બચ્ચો કો ઇમ્પોસિબલ મેં હિ આઈ એમ પોસિબલ આ હિ જાતા હૈ. તો યે હમ પે ભી તો લાગુ હોતા હૈ ને. ચલો હમ તો ટીચર બન ગયે, ગ્રાન્ટેડ મેં આ ગયે, બસ હમારા તો સેલરી અબ ચાલુ હો ગયા. ચલો ભાઈ બસ ખતમ. આજ રેલી હૈ કે હમકો ઓલ્ડ પેન્શન સ્કીમ ચાહીએ, હમકો યે વર્ધિત પેન્શન યોજના નહીં ચાહીએ. તો ચલો ફિર થોડે 100-200-500 લોગ આ જાયેંગે, અભી ઇલેક્શન સામને હૈ, સબકો અપની ખુશી બચાની હૈ, તો વો તો દેને હી વાલે, વો ભી હમારા તો હો ગયા. સરપંચ કા પ્રોબ્લેમ હમારા હો ગયા, અબ હમ તો સુરક્ષિત હૈ. બસ હમકો ક્યા અબ કરના હૈ, ઓર વહી હમ ભૂલ કરતે હૈ. નોકરી મિલી હૈ તભી સે તો આપકી યાત્રા બિગિનિંગ વહાં સે હોતી હૈ. તો બસ યે બાત હમકો સમજની ચાહીએ. દૂસરી એક બાત જો હંમેશા મેં બચ્ચો કો ભી બતાતી હું, આ બાત સંગીતા જીને હમ સબકો બચ્ચે જબ બના હી દિયે હૈ, ફાલ્ગુણી જી તો મેં આ બોલના ચાહુંગી. શિલ્પકાર એક મૂર્તિ તરાસતા હૈ, કબ તરાસતા હૈ વો, અગર માર્બલ ઉસકો કોઓપરેટ કરતા હૈ, તભી વો મૂર્તિ ભગવાન કી બન સકતી હૈ. વહી માર્બલ અગર શિલ્પકાર કો કોઓપરેટ નહીં કરતા, વો ભગવાન કી જો મૂર્તિ હૈ વો બેઠ ગઈ, ઉસકા સ્થાપ્રાણ પ્રતિષ્ઠા હો ગઈ, મંદિર મેં ઉસકો એક ઉચ્ચ સ્થાન મિલ ગયા. લેકિન જો માર્બલ જો પથ્થર ને શિલ્પકાર કો કોઓપરેટ નહીં કિયા, ઉસકે સાથ નહીં ચલે, ઉસકા સ્થાન કહાં રહા, મંદિર કે બહાર જહાં નાળિયેર ફૂલ ફોડતે સબ પ્રસાદ બાંટતે. સમજ મેં આતી હૈ બાત? તો યે બાત હમકો ભી સમજની હૈ બચ્ચો કો, યહી કે ભાઈ આપકો મૂર્તિ બનના હૈ કે વો એસા હી પથ્થર રાસ્તે કા પથ્થર બનના હૈ, ઓર કોઈ એસે એસે કરકે ચલા જાયેગા આગે, વો બાત. ઓર એઝ અ જબ એઝ અ ટીચર ભી હમ લાઈફ ટાઈમ સ્ટુડન્ટ બનતે રહેંગે, મતલબ બને રહેંગે, તભી હમ રોજ ને કુછ નયા સીખેંગે. વૈસે તો કોરોના ને સબકો સબ કુછ સિખા દિયા, કોમ્પ્યુટર સે દબને વાલે ટીચર ભી આજ બહોત અચ્છે સે ઉંગલિયા ચલાતે. મેમ આપ ચલાતે કે નહીં ચલાતે? હલો મેં આપસે પૂછ રહી હું, ચલાતે હો ને? અભી આપકા ડર વો તો વહાં તો નહીં હૈ ને, મતલબ જો હમારા ડર થા વૈસે ટ્રિપલ સી કી એક્ઝામ દેની હૈ તભી આપકો યે મિલેગા વો મિલેગા હાયર સ્કેલ કા ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ, વો આપકા મંજૂર નહીં હોગા. તો ટ્રિપલ સી કી એક્ઝામ દેને કે લિયે અબ સબ હમ રાજી હોગે, ક્યું? કોરોના ને હમકો સિખા દિયા કે ઓનલાઈન એજ્યુકેશન કૈસે દેના હૈ, રોજ હમકો કુછ ના કુછ સીખના હૈ. દૂસરી એક બાત મેં બતાના ચાહુંગી, એઝ અ ટીચર, વૈસે તો સાયન્સ વાલે ટીચર ભી યહાં સારે બેઠે હોંગે, કાર્બન હમ જાનતે હૈ સબ, કાર્બન કોલ કોલસા હો, ગ્રેફાઇટ હો યા ડાયમંડ હો, દે ઓલ આર ટાઈપ્સ ઓફ કાર્બન. કાર્બન કે હી વો સમરૂપ હૈ. ડિફરન્સ ક્યા હૈ ફિર ઇસમે? વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન
coal and graphite and he diamond. You know, तो ये जो कार्बन है, मैडम ने जैसे चाय नाश्ते के लिए हमको ऑर्डर दिया, इसके साथ एक सूचना भी दी कि चाहे आप टीचर हो लेकिन आज बच्चे के रोल में हो, चाय पी के नाश्ता करके इधर उधर कुछ फेंकना नहीं है। तो फिर अगर वहां अगर इधर उधर कर हम बैठ फेंक देते तो हॉल की क्या सिचुएशन होती, अस्त व्यस्त, जो देखने में हमको पसंद नहीं आती। कौन सा कभी वही है, कार्बन तो उसमें भी है लेकिन स्कैटर्ड है, तो वो इसीलिए कौन सा है। ग्रेफाइट वो भी कार्बन है लेकिन इसमें जो कार्बन है वो हेक्सागोनल षष्ठकोणीय उसका जो स्ट्रक्चर है वो है, एक से ऊपर एक, और वो सॉफ्ट है थोड़ा, वो ग्रेफाइट है। और डायमंड हेक्सागोनल टेट्रागोनल, एक कार्बन इधर है और तीन साइड पे ऐसे। डिफरेंस बिटवीन द रीअरेंजमेंट और अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स ओनली। और आप देखिए कि सबके गुणधर्म कैरेक्टरिस्टिक और उसका उसकी वैल्यू भी कितनी अलग अलग हो गई। तो बस हमारे पास बच्चे भी ऐसे ही आएंगे, किसी की लोकेलिटी अलग है, घर का एटमोसफियर अलग है, कोई बड़े घर से आए मतलब। और हमको भी दो बातें हैं इसमें, बच्चे जैसे भी आते हैं चाहे वो कोयला हो चाहे वो ग्रेफाइट हो चाहे हीरो, सभी को एक ही क्लास में हमको एक तरीके से पढ़ाना है, वो एक बात है इसमें। दूसरी बात ये है, एज ए टीचर आपके पास जो 60 बच्चे हैं या 65 या वॉट एवर यू हैव, आपको उसमें क्या डालना है, उसको क्या बनाना है एज ए टीचर, कि उसको आपको कौन सा कोयला ही रखना है, ग्रेफाइट बनाना है या डायमंड, अप टू यू नाउ, थिंक ओवर इट। एक दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगी, मैडम है ना समय खत्म कर। एक दूसरी बात कि मैं सामने देख ही रही हूं वैसे तो घड़ी में, मेरा मेरी नजर वहीं पे भी है, फिर भी मैं पीछे जो बड़ी घड़ी है उसको भी पूछती रहती हूँ कि एक सीईओ कंपनी में, एक कंपनी में उसका मतलब जो मालिक है बड़े बड़े सीईओ के साथ और बड़े बड़े ऑफिसर के साथ बैठा है और उसको उसकी जो प्रोडक्ट है उसको बढ़ाना है, मतलब प्रोडक्ट तो बढ़ती है सेलिंग बढ़ानी है, शायद पढ़ा होगा किस्सा सुना भी होगा, सेलिंग बढ़ानी है। और जो वो कंपनी के मालिक वो टूथपेस्ट की कंपनी थी, टूथपेस्ट की कंपनी, सभी बड़े बड़े लोग बैठे थे, सबने अपना अपना विचार रखा लेकिन कोई भी ऐसा सुझाव नहीं आया। वैसे एक मीटिंग रहती है तो उसके साथ ईटिंग भी रहती है, सब होता है मीटिंग के साथ, तो वो पानी का ग्लास देने आता है चला जाता है, नाश्ते की डिश रखने आता है चला जाता है, बारी बारी अंदर फिर नाश्ता करने के बाद डिश उठाने के लिए आता है चला जाता है। वो भी तो इंसान है, वो बात सुनता है या क्या डिस्कशन हो रहा है, बात खत्म हो गई, मीटिंग खत्म हो गई, फिर वो मालिक से मिला, सर मैं क्या आपको एक बात बता सकता हूँ, आपका ये प्रॉब्लम जो है मैं सुन रहा था लेकिन मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं सबके सामने अपनी बात रख सकूँ। लेकिन वो जो मालिक था वो भी बहुत अच्छा इंसान था, अच्छी आत्मा थी, शांत स्वरूप आत्मा थी, तो उसने उसको बोल दिया यस आप भी अपना विचार रखो, क्या बोलेगा तू, चलो मैं एक बार सबको सुना तुझको भी सुन लेती हूँ और सुन लेता हूँ। फिर उसने क्या बताया, सुबह में तो जानते हैं हम लोग आधे हम भी नींद में होते हैं, बच्चे को भी हम कैसे ब्रश करवाते हैं, अभी जो छोटी छोटी नहीं छोटी छोटी उम्र वाली जो माएँ हैं वो सबको भी पता है, तो फिर वो ब्रश के ऊपर जो पेस्ट होती है आधी नीचे आधी ऊपर, कितनी आई ऊपर कितनी गिरी वो कुछ पता रहता नहीं है। तो एक काम आप कीजिए कि जो उसका हॉल है ने वो जो थोड़ा बड़ा लीक कर दीजिए, यू गॉट माय पॉइंट, ये जो हॉल जो निकलता है पेस्ट जिसमें से उसका डायमीटर आप थोड़ा बड़ा कर दीजिए, तो इतनी पेस्ट जो निकलेगी वो इतनी ज्यादा निकलेगी तो सेलिंग अपने आप बढ़ जाएगा। इट इज इजी। तो वो जो बड़े बड़े पढ़े लिखे सीईओ लाखों में जो धन हर महीने
पगार लेते हैं उससे तो वो सटाक दे के चला गया। मेरा ये इसलिए मैंने रखी है ये बात कि अपने क्लास में भी अगर हमारे स्कूल में भी एज ए प्रिंसिपल और एज ए टीचर छोटे बच्चे कोई भी अगर सुझाव देते हैं या कोई भी बात रख तो हमारा एज ए टीचर और प्रिंसिपल काम है उसको ध्यान से सुनने का। वी शुड लिसन देम। कई बार अपने से ज्यादा उसके पास भी नॉलेज इज पार है तो ये हमको करना है। और वैसे तो बात बहुत सारी बातें हैं लेकिन अभी टाइम नहीं है, एक ही बात मैं बोलूंगी। आज हम सब संकल्प करते हैं कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो हम दिल से उसके साथ काम करेंगे, उसके लिए काम करेंगे, फॉर द स्टूडेंट, बाय द स्टूडेंट और ऑफ द स्टूडेंट। वैसे तो डेमोक्रेसी की एक डेफिनेशन है बाय द पीपल ऑफ द फॉर द पीपल। हम बच्चों के लिए कर सकते हैं और हम आज संकल्प करते हैं भगवान का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, भगवान का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता। बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को दूरी रखो अपने लक्ष्य से, हार को दूरी रखो अपने लक्ष्य से। जीत का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता, जीत का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। अगले साल जो भी टीचर्स डे आए बस हम इतना परिवर्तन रिजोल्यूशन आज हम करते हैं। ऐसा नहीं जेठालाल ने अलार्म लगाया मॉर्निंग वॉक में जाना है, बबीता के साथ में जा रहा हूँ, अलार्म बजा वो सो गया, ऐसा रिजोल्यूशन हमको नहीं लेना है। करके दिखाना है कि यस हमारे बच्चे जो यहाँ थे यहाँ आ गए, बस इतना है। और जब हौसला बढ़ा दिया उड़ी उड़ान का, जब हौसला बना दिया ऊंची उड़ान का, तब देखना फिजूल है कद आसमान का, तब देखना फिजूल है कद आसमान का। बातें तो बहुत सारी है लेकिन कभी अनुमति मिलेगी और अच्छा टाइम होगा तब हम बातें जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच संगीता जी आपको और ये सब गुणी लोग जो बैठे हैं डायस पर उसको भी, और दीपक राज्य गुरु जी के जिसकी प्रॉक्सी भरने का मुझे अवसर मिला और मैं अपने दिल की बात रख सकी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। लकड़ी की काठी काच पे घोड़ा, घोड़े की धुन पे जो मारा थोड़ा, घोड़ा 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 धूप उठा के थोड़ा। लकड़ी की काठी काच पे घोड़ा, घोड़े की धुन पे जो मारा थोड़ा, घोड़ा 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 धूप उठा के थोड़ा। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरे एहसास का शुक्राना, बात इस खास का शुक्राना, बिगड़ी बनाने का शुक्राना, काबिल बनाने का शुक्राना, मुझे अपनाने का शुक्राना, कृपा बरसाने का शुक्राना, गले से लगाने का शुक्राना, पार लगाने का शुक्राना। सर आज बीन ए प्रिंसिपल थे, हमें यहाँ पे बहुत सारी इंस्पिरेशन मिली है, बहुत सारे आइडियाज मिले कि हम लोग हमारे टीचर्स को कैसे ट्रेन कर सकते हैं और कैसे उनसे बात कर सकते हैं। एंड वी आर एक वेरी फंटास्टिक प्रोग्राम एंड इवेंट इज देयर। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी इन दिस प्रोग्राम। थैंक यू। मेरा नाम हरीश गाजीपुरा है और मैं टोटली गुजरात के अंदर में नेचुरल फार्मिंग का काम करता हूँ और हमारे साथ काफ़ी सारे फार्मर्स जुड़े हैं और हमारा जो भी फार्मर्स का प्रोडक्शन होता है वो हम लोग गुजरात में या सब सिटी में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। टोटली हम सब फार्मर्स को ट्रेनिंग भी देते हैं और जो लोग हमारे कस्टमर हैं उसको भी हम समझा देते हैं फार्मर्स हमारे साथ कैसे जुड़े हैं और हम उसको फार्मर के साथ डायरेक्टली जुड़ रहे हैं।
तो हमारा काम है कि नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना, गाय को बचाना और हमारा देश सुरक्षित रहे, उतना ही हमारा काम है। जय हिंद, जय भारत। मैं स्कूल नंबर 158 में एज ए प्रिंसिपल हूँ और टीचर्स डे इस प्रोग्राम को मैं बहुत अच्छे से यहाँ से सेलिब्रेट होकर जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सबका जो प्रोग्राम किया है वो मुझे बहुत पसंद आया और आने वाले समय में हम अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ दे पाएंगे, इसी संकल्प के साथ यहाँ से विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम कुंदन चौहान है, ऐसे मैं सूरत कॉर्पोरेशन स्पेशल एजुकेटर से जॉब कर रहा हूँ दिव्यांग बच्चों के लिए। और आज जो टीचर डे सेलिब्रेशन हुआ उसमें बहुत अच्छा लगा और हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिला और सब मेरी सभी टीचर से आज टीचर डे सेलिब्रेशन की शुभेच्छा। थैंक यू। मैं सूची वलार, मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ। मैं आज टीचर्स डे हैप्पी टीचर्स डे ऑल ऑफ यू। और फिर मैं यहाँ से खूब सारा सीख कर जाती हूँ और मैं यही बोलती हूँ कि मैं कि उसको प्रोत्साहन दिला यानी कि वो आगे बढ़ते। पाटिल है, मैं दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेटर सूरत कॉर्पोरेशन में काम करता हूँ। हम लोगों का लक्ष्य कि जो हर एक प्रकार के जो दिव्यांग बच्चे हैं खुद स्वावलंबी बने, कुछ एडीएल एक्टिविटी कुछ सीखे जो उनके पैर पे वो खड़े हो सके। हम लोग दिव्यांग बच्चे को, पेरेंट्स और दिव्यांग बच्चों को हम अलग अलग ढंग से उनके मार्गदर्शन देते हैं और बच्चों को हम लोग नया नया तरीके से हम लोग उनको एक्टिविटी करवाते हैं। राठौर 22 है, मैं लिम्बेट जोन में स्पेशल एजुकेटर जॉब कर रहा हूँ। जैसे नॉर्मल बच्चे को तो सब टीचर पढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे बच्चे को जो पढ़ाता हूँ जो स्पेशल बच्चे हैं, जिसे CWHM बच्चे बोलते हैं, विशिष्ट बालक बोलते हैं। हम इस बच्चे को पढ़ा के अपनी को धन्य समझते हैं। बस पूनम तनेजा, आई एम फ्रॉम एसटीशन मॉडल स्कूल। आई टीच केमिस्ट्री टू स्टैंडर्ड 11 एंड 12। आई फील दैट एवरी चाइल्ड इज अ प्राइज विनर। मोटिवेट एवरी चाइल्ड हैज कैपेसिटीज टू डू देयर बेस्ट। थैंक यू। आई एंजॉय टुडेज प्रोग्राम वेरी मच। थैंक्स टू शांतम, थैंक्स टू द महिला माहेश्वरी महिला समिति। आई बी एंजॉय टुडेज प्रोग्राम वेरी मच। थैंक यू। मेरा तो मूल वतन उत्तर प्रदेश है, मिर्चापुर, लेकिन मैं यहाँ गुजरात में अपॉइंटमेंट हुआ हूँ विकलांग बच्चों के लिए। विकलांग बच्चे मेरे से पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें यही आशा रखता हूँ। और साथ साथ मधुबन रेडियो 90.4 को भी धन्यवाद देता हूँ कि ये जो भी कार्यक्रम हुआ उसमें इन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई और खास करके पूरे कार्यक्रम को इन्होंने बेटर बनाया, उनका धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम सरला गुप्ता है, मैं 75 इयर्स ओल्ड हूँ और हर प्रोग्राम में मैं खुली खुश होकर एक्टिव पार्ट लेती हूँ। ओम शांति। मैं हितल शाह पिया खाटीवाला स्कूल से हूँ। आज टीचर्स डे के उपलक्ष में यहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ वो बुझते हुए दिए में जो तेल डाला जाता है और दिया फिर से रोशन हो जाता है उस तरह का कार्यक्रम था, जिसे बच्चों को हाथ पकड़ से लिखने के उससे जो स्क्रीन शेयरिंग तक ले गए हम कोविड में वापस उन्हीं लेसन से, जिस तरह से जो क्लास में लेसन होते थे उसे मोबाइल से लेसन, वहां से आए स्कूल वापस, लेकिन जो जर्नी थी वो बहुत टफ थी, लेकिन ऐसे प्रोग्राम्स की वजह से आज फिर से एक नई एनर्जी मिली है। शुक्रिया, ऐसे प्रोग्राम्स होते रहे और टीचर्स उनसे इंस्पायर होते रहे। थैंक यू सो मच।
name is Meher Sheikh. I'm from PR Ghatiwala English Medium School. I'm very thankful for being a part of this program, which was really a very good program, which was organized for the teachers. और इस ओकेजन पे, टीचर्स डे के स्पेशल ओकेजन पे, मैं मेरी लिखी हुई कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहती हूँ। ये जो हमारे समाज में शिक्षक होते हैं, जिंदगी जिनके असल नक्श होते हैं, सुनो तारीख जब किसी की कामयाबी की, भूलना मत उनके हर कदम पर यही शख्स होते हैं। थैंक यू। मैं दीप्ति चासिया, समग्र शिक्षा, सूरत सिटी। आज जो टीचर्स डे के उपलक्ष्य में टीचर्स डे सेलिब्रेशन कार्यक्रम हुआ, बहुत ही उम्दा कार्यक्रम था। जिस कहते हैं ना, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, वैसे ये कार्यक्रम भी कभी साधारण नहीं था, बहुत ही उम्दा कार्यक्रम था। खूब खूब शुभेच्छाएँ टीचर्स डे की। थैंक यू। मैं ज्योति शर्मा, यूओ स्कूल सूरत से। आज के इस समारोह के बाद मैं यही कहना चाहूँगी कि ज्ञान एक ऐसा तत्व है जो कभी भी मनुष्य का किसी भी परिस्थिति में साथ नहीं छोड़ता है। इसलिए जीवन में अपने लक्ष्य की ओर हमेशा आगे बढ़ते रहे, ना कभी भागे ना कभी रुके, बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। सफलता निश्चय ही आपके कदम चूमेंगी। धन्यवाद। Prasant Kumar Rath, teaching in PR Ghatiwala Vidya Sankul. I am having experience of teaching in this field for 22 years. I have been honored that I have been called over here for this felicitation program. According to me, I am very glad that I am in this profession, because teacher, they used to build the nation, and teacher, they can play a role model for students. So I request all the teachers that they should do something better for building a good nation, good students, and they have to dedicate themselves their whole life in this profession. Thank you so much. Namaskar, सबको टीचर्स डे की बधाई। एक टीचर है जो हर एक प्रोफेशन को बनाता है, और आज का जो हमारा प्रोग्राम था शांतम में, उसी बेस पे था, और बहुत ही आनंदमय प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया। और शांति जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार, माई सेल्फ गौरांगी वशी, आई एम फ्रॉम पीआर घाटीवाला स्कूल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट, एंड आई एम इन दिस फील्ड Since 2006, when I had not done my master's. With my this service, I completed my master's and BA. So during this journey, I have learned so many things through students also. And I firmly believe that a teacher needs to upgrade herself, and I always have strived to do that. So thank you so much once again for deeming me fit for this event. God bless. Thank you. વિનાશ ચૌધરી, શ્રી ગુરુ કૃપા વિદ્યા સંકુલથી આવું છું હું, અને ટીચર્સ તરીકેની ફરજ નિભાવું છું। જે 5 સપ્ટેમ્બરના દિવસે શિક્ષક દિવસ ઉજવવામાં આવે છે, એ બેસ્ટ દિવસ છે। હું ટીચર તરીકે એક પેરેન્ટ્સને અને સમગ્ર સમાજને મેસેજ આપવા માગું છું કે ટીચર્સ દ્વારા જે કાંઈ જ્ઞાન આપવામાં આવે, સમાજના ઉદ્ધાર માટે, સમાજના ઉદ્ધાર સાથે વસુધૈવ કુટુંબકમની ભાવના સાકાર થાય, એને આપણે વૈશ્વિક અને વિશ્વની જે સમસ્યા અને એ સમાધાન થાય એવા દૃષ્ટિકોણ સાથે દરેક ટીચર બાળકને જ્ઞાન આપે, અને સમાજમાં સારો ચારિત્રવાન વ્યક્તિ નિર્માણ કરવાની 100% સક્સેસફુલ પ્રયત્ન કરે એવી મારી સૌને શુભેચ્છા છે। ટીચર્સ દિવસ નિમિત્તે તમામ ટીચર્સ અને ટીચર્સ બનવાની આશા ધરાવતા તમામ વિદ્યાર્થીઓને મારા ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ। નમસ્કાર। संकुल की अध्यापिका हूँ। आज के शिक्षक दिन के अवसर पर मैं कहना चाहूँगी कि शिक्षक वो किसान है जो इंसान के दिमाग में ज्ञान के बीज बोता है। हैप्पी टीचर्स डे। माय सेल्फ
फ्रॉम महेश्वरी. आई एम सोशल वर्कर कम टीचर. और आज मैं एक चीज़ छोटी सी कहना चाहूँगी. जिस तरह दिया जैसे दीपक होता है, दीपक अंधकार दूर कर प्रकाशक को देता है, उसी तरह टीचर उसका काम है सबका जीवन उज्जवल बनाना. और वही सही मायने में गुरु कहलाता है. और मैं टीचर्स डे के दिन लाइक आई थैंक टू ऑल द टीचर्स एंड एवरीवन राष्ट्रपति. मेरा नाम डॉक्टर रीटा बेन निकेश चंद्र फुलवाला से श्री पी एच बचकाने वाला विद्या मंदिर सूरत में लास्ट 32 ईयर्स से एज ए प्रिंसिपल में काम कर रही हूँ. आज है ब्रह्मा कुमारी और से शांतम हॉल में जो टीचर्स डे का सेलिब्रेशन हुआ, इट वॉज अमेजिंग एंड यूनिक. और मैं बस यही एक लाइन बोलना चाहूँगी कि अगर टीचर आप बने हुए हैं तो ईश्वर की कोई कृपा है आपके ऊपर. और शिक्षक के कर्म को आप ऐसे कीजिए कि वो आपका कर्म ही आपका धर्म बन जाए. और अगर कर्म ही आपका धर्म बन जाएगा तो किसी और धर्म में या किसी और भगवान को देवता को पूजने की कोई ज़रूरत नहीं. प्लीज़ डू योर वर्क ऑनेस्टली एंड विथ डेडिकेशन. थैंक यू. मैं कभी माइक पे नहीं आई हूँ. आज मैं ये फर्स्ट टाइम आई हूँ. और मेरे मैं कब से बैठी हूँ, मुझे धन्यवाद देना संगीता. सिर्फ मैं इनके ही आई हूँ क्योंकि ये मुझे कब से कह रहे थे तुझे स्पीच देनी है. मैंने तो मैं नहीं दूंगी, ये पेपर मेरे पास है बट मैं इसको नहीं खोलूंगी. मैं दीदी को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ. मैं सिर्फ एक घर संभालने वाली एक लेडी थी. आई थिंक सो मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली. और ये मुझे लाने वाली संगीता दीदी है यहाँ तक कि तू कर सकती है तू करेगी. और हम सबको सूरज सखी संगठन ग्रुप बनाया, उसमें उन्होंने मुझे कैशियर बनाया. मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ. और मुझे इतनी अच्छी सेवा करवाई कि उन्होंने बोला तुझे एक वृद्ध आश्रम में किचन बनवानी है मेरे साथ मिलके, पूरे ग्रुप के साथ मिलके. और वो मैंने इनके साथ मिलके किया. उसका मैं हाँ, और खुद बैक स्टेज रहते हैं, कभी आगे नहीं आते हैं और हमें ही आगे करते हैं ऑलवेज. और वो ये तैयारी जब वो सोचते हैं ना, वो 3-4 महीने पहले से ये तैयारी करते हैं. और आपके टीचर्स डे की टेंशन वो 3 मंथ से ले रहे हैं. मैं उनको हमेशा बोलती थी दीदी अभी बहुत टाइम है, आप टेंशन मत करो. नहीं, ये सब प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए और हर प्रोग्राम सुन के बहुत अच्छे होते हैं. उसके लिए हम उनके लिए बहुत अच्छे खड़े होकर क्लैप करेंगे. और